फॉरेन एक्सचेंज रेट। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। द चैप्टर नेम इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन एंड द डिफरेंस बिटवीन द करेंसी डेप्रिसिएशन एंड द करेंसी एप्रिसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो, हम जानते हैं, ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसी, सभी कंट्रीज की अपनी करेंसी है, विच आर रेडली एक्सेप्टेबल विद देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, जो उनकी टेरिटरीज में उनकी सीमा में एक्सेप्ट की जाती है। एग्जाम्पल, इंडियन रूपी इन इंडिया, इंडिया में इंडियन रूपी, USA डॉलर इन अमेरिका, अमेरिका में डॉलर, एंड पौंड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पौंड। सो ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसी, सभी कंट्रीज की अपनी करेंसी है, विच आर रेडली एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्ट की जाती है विद देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। एग्जाम्पल, इंडियन रूपी इन इंडिया, USA डॉलर इन अमेरिका। करेंसी ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री की करेंसी इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड, वो दूसरी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इंडियन रूपी को USA डॉलर में एक्सेप्ट नहीं, यूएसए में क्योंकि वहां डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है, तो वहां इंडियन रूपी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल पेमेंट, अगर हमने इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, अदर नेशन को पेमेंट करनी है, सो द करेंसी ऑफ वन कंट्री, हमें एक कंट्री की करेंसी को हैज टू बी कन्वर्टेड, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। करेंसी ऑफ वन कंट्री इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड इन सम अदर कंट्री। इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल पेमेंट, करेंसी ऑफ वन कंट्री हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ द अनदर कंट्री, बिकॉज एवरी कंट्री वॉन्ट्स पेमेंट्स इन इट्स ऑन करेंसी, क्योंकि सभी कंट्री पेमेंट चाहती हैं अपनी करेंसी में। नाउ द क्वेश्चन इज फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द ऑल करेंसीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जितनी भी करेंसीज हैं अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द कंट्री, उस कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के। एग्जाम्पल, इंडिया में रुपी हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, रुपी को छोड़ के जितनी भी करेंसीज हैं। फॉरेन एक्सचेंज किसको रेफर करता है, ऑल द करेंसीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जितनी भी करेंसीज हैं अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के ऑफ द कंट्री इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। इन इंडिया US डॉलर इज फॉरेन एक्सचेंज। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको रेफर करता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज, जिस पर हम एक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं फॉर अनदर, दूसरी के लिए, इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल, $1 कैन बी एक्सचेंज, हम $1 को एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर ₹70, कि ₹70 का $1 है। सो दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल, $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹70, दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट हो जाना, कम हो जाना, रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का कम हो जाना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर हम उसको फॉरेन करेंसी के टर्म्स में लें। एग्जाम्पल, हम रुपीज को कहेंगे कि वो डेप्रिशिएट हो गया, इफ द प्राइस ऑफ डॉलर, अगर डॉलर का प्राइस 55 से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो इंडियन रुपीज, जो पहले डॉलर हमारे को 55 में मिलता था, अब कितने में मिलेगा, 60 में, तो इंडियन रुपी इज सेट टू बी डेप्रिशिएटिंग, रुपी इज सेट टू बी डेप्रिशिएटिंग इफ प्राइस इज सेट टू बी डेप्रिशिएशन इफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। नाउ करेंसी एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन किसको रेफर करता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, अगर डॉलर की वैल्यू अगेन 60 से 55 हो जाएगी, जो 60 में मिल रहा था अब हमें 55 में मिल रहा है, सो दिस इज द करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। नाउ डिफरेंस मीनिंग वी नो
currency depreciation refers to decrease in the value of the domestic currency in terms of foreign currency, and currency appreciation refers to increase in the value of the domestic currency in terms of the foreign currency. करेंसी डेप्रिशिएट है, अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी इट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स चीपर, तो हमारी गुड्स क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि जो पहले $1.55 का था अब $1 हमें कितने में मिल रहा है, 60 में मिल रहा है, तो हमारी गुड्स क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी इन फॉरेन कंट्रीज में, एज मोर ऑफ सच गुड्स कैन नाउ बी परचेज, क्योंकि वो अब ज़्यादा गुड्स को परचेज कर पाएंगे, पहले जो 55 की थी अब वो 60 रुपीज की गुड्स लेके जा रहे हैं, सो इट्स लीड्स टू, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा. अगर करेंसी एप्रिसिएशन होता है कि डॉलर जो पहले क्या था, डॉलर पहले जो 60 का था अब वो 55 का हो गया है, तो उससे क्या होगा, इट मेक्स फॉरेन गुड्स चीपर, फॉरेन गुड्स क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे इन डोमेस्टिक कंट्री में, एज मोर ऑफ सच गुड्स कैन नाउ बी परचेज, तो इट मेक्स द फॉरेन गुड्स चीपर, फॉरेन गुड्स क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी इन डोमेस्टिक कंट्री में, एज मोर ऑफ सच गुड्स, क्योंकि हम ज्यादा गुड्स को परचेज कर पाएंगे, कैन नाउ बी परचेज विद द सेम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स, सो इससे क्या होगा, इम्पोर्ट इंक्रीज होगा, जब करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, एंड करेंसी एप्रिसिएशन होने पर इम्पोर्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है.